नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल और आप देख रहे हैं हरियाणा मीडिया न्यूज। दोस्तों, अभी अभी एक खबर मिली है जिसमें राकेश टिकैत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान दिया है कि जो 6 फरवरी यानी आज जो चक्का जाम होना है, उस चक्के जाम में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। वहां पर सिर्फ ज्ञापन डीसी, एसडीएम, तहसीलदार या अन्य अधिकारी को सिर्फ ज्ञापन दिए जाएंगे। और आगे क्या कहा उन्होंने, सुनिए इस वीडियो में। दोनों स्टेट में और जगह पूरे भारत में ये रहेगा। और जो इशू यहाँ पर चल रहे हैं, जो किसानों के जो इशू है, उस पर ये है कि भारत सरकार जो मुद्दे हमारे हैं वो पहले भी हैं। बेहतर दिन आज किसानों को यहाँ पे हो गए हैं, बेहतर वह दिन हैं। हमारे गन्ने का इशू है, दूसरे जो फसलों के इशू हैं, जो हमारे MSP पे कानून बनने का है, 3 बिल हैं, जो लोग निर्दोष जेलों में बंद हैं, ये सारे सवाल सरकारों के सामने रहेंगे। और हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हमारे जारी है, ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। एक तो कल का जो 12-3 का जो चक्का जाम है, उसकी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। दो स्टेट आपने होल्ड पे रखी हैं अभी। वो दूसरा सवाल साथ में ही, अभी की जानकारी अपडेट मेरे पास चंडीगढ़ से फोन आया था, जो कोई भी गाड़ी हिमाचल में एंटर हो रही है किसी भी बॉर्डर से, अगर उस पे किसान का झंडा लगा है, हिमाचल पुलिस झंडा भी उतार रही है, 2200-2500 का चलान कर रही है और झंडे को पैरों तले रौंद रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? संयुक्त किसान मोर्चा क्या एक्शन लेगा? अरे ये एक्शन ही तो है, जब इस तरह का एक्शन होने लगे तो आंदोलन जब ही तो बढ़ता है। ये वैचारिक क्रांति है, आप इसको एडियो से नहीं कुचल सकते। हम जाएंगे, हमने अक्टूबर तक का टाइम दिया है सरकार को, और हम जाएंगे पूरे देश में, हम जाएंगे अक्टूबर तक का टाइम, मतलब आंदोलन की रूपरेखा हम अक्टूबर तक की बनाएंगे हम जी। और हम जाएंगे यहाँ से 7-8-10 दिन 15 दिन बाद में निकल जाएंगे हम यहाँ से देश में, और हम देश में सफाई करेंगे। और कल का जो 12-3 का है, 12-3 का हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं है, वहाँ पे स्टैंड बाई में रखा है कि यहाँ पे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आप उसके लिए यहाँ के लिए तैयार रहें, अपना खेत का काम करते रहें और आंदोलन की निगाह रखते रहें। हम बाहर चले जाएंगे तो आंदोलन इन्हीं दो स्टेट के भरोसे आंदोलन चलेगा यहाँ का। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जाम नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ DM को ज्ञापन जाएगा, ये बदलाव हुआ है, और पूरे देश में जो प्रोग्राम है वो ऐसे ही रहेगा। नहीं, अगर हमारे पॉलिसी थी नहीं, हम कर रहे नहीं, हाँ स्टैंड बाई कर, लोग अपना खेत में काम करते रहे, क्योंकि गन्ने का वहाँ पे पूरा सीजन चल रहा, और कभी भी जितनी जरूरत यहाँ पर लोगों को पड़ती रहेगी, उस सिस्टम से लोग यहाँ पे आते रहेंगे। भविष्य में कर सकते हैं उत्तर प्रदेश, क्या पता क्या करेंगे, बता देंगे भविष्य का। सर, इतने दिन आपको PM साहब ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी, आपको नंबर दिया गया है, कौन सा ना नंबर नहीं दिया, नहीं दिया, साझा हुआ नहीं है नंबर अभी, नहीं दिया अभी, तो फिर एक कब तक लड़ाई चलेगी? लड़ाई तो चलती रहेगी, अभी तो अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दिया है, चलती रहेगी। टिकैत साहब, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं आज नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि किसान नेता है, जो किसान नेता है वो बताए कि असल में कृषि कानून में क्या कमियां हैं, वो बता नहीं रहे, कोई भी नहीं, जब टेबल पर बैठने का टाइम आएगा तो बता देंगे। अगर आगामी बातचीत होती है और सरकार आपको आश्वासन देती है कि MSP पर कानून बनाने के लिए हम तैयार हैं, केवल आश्वासन, क्या उसके बाद किसान आंदोलन जारी रहेगा? अरे आश्वासन पर कोई खत्म होता है, मैं कह दिया कि या किसी ने कह दिया जी मैं आपको दूंगा, वहाँ चले जाओ मकान दूंगा, तो मिल गया मकान, वो तो लिखट पड़ा होता होगा, कानून होता होगा, कैसे वो होगा, उसकी पूरी रणनीति बनती है, सारी चीजें। गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार राशन बांट रही है सबको, जिलावार हर घर तक पहुंचाने की बात कर रही है, तो जिस तरह खाप एक साथ आई है, 50 से ज्यादा खापों की अभी हरियाणा में महापंचायत हुई है, उसके बाद आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ लोगों का झुकाव होगा या किसानों की तरफ? किसानों की तरफ है, खाप भी तो किसान ही है, उनका बड़ा सपोर्ट रहता है हरियाणा और UP से, इस तरह की जो सपोर्ट मिलती है, पूरी किसानों को सपोर्ट मिलती है, वो अत्याचार के खिलाफ खाप खड़ी होती है। ठीक है सर, 26 के बाद कई से नौजवान, कई से बुजुर्ग अभी थानों में हैं और कई तिहाड़ या दूसरी जेलों में भेज दिए गए हैं, उनकी रिहाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से
क्या किया जा रहा है? वो हमारे लीगल लोग हैं, वे होगा और ये बातचीत का हिस्सा रहेगा। सर, इतने दिन बहुत सारे सांसद लोग, मिनिस्टर, पार्टी लोग, सब लोग यहाँ पर आके आपको समर्थन दे रहे हैं। जैसे पिछले दिनों संजय रावत जी उनके टीम के साथ आए हुए थे समर्थन देने के लिए। जी, सेशन चल रही है अभी, लेकिन आपको आप बता सकते हैं कि सारे जो सांसद लोग सेशंस में किसान आंदोलन के ऊपर सही ढंग से पेश हो रही है या नहीं हो रही है? अब हम तो यहाँ पे हैं, यहाँ टीवी तो है नहीं, ना हम अखबार पढ़ते ना टीवी देखते। नहीं, जो किसान आंदोलन के बारे में सेशन में बातचीत जो हो रही है उसके ऊपर हमें नॉलेज नहीं, उसके क्या हो रहा है मैं जब नहीं पढ़ रहा और नहीं टीवी देख रहा तो मैं कुछ नहीं बता सकता। हो रही होगी तो देश देख रहा होगा। राकेश जी, मेरा प्रश्न है कि संसद में आज कृषि मंत्री ने कहा कि हम 2 महीने से किसान नेताओं से पूछ रहे हैं कि कृषि कानून में काला क्या है, तो आप लोग बता क्यों नहीं देते? तो आप बताइए कि कानून में काला क्या है। और जब वो नहीं बताया तो आपको क्यों बताया, तो क्या है आपने क्यों नहीं अभी तक नहीं बताया? नहीं नहीं भाई, जब सरकार को नहीं बता पाए तो प्रेस को क्यों बता दे? अभी तो ये है कि ये वापसी हो। पराली और बिजली के बिल और जो कानून थे उसको रोके जाने के बाद जो प्रस्ताव थे उसके बाद ही कहा ये जा रहा था कि अभी पूंछ निकली है, हाथी निकलना बाकी है, तो ये लड़ाई जिस मोड़ पे जा रही है चलेगी, लंबी चलेगी, जुमलेबाजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई है। नहीं नहीं, हमें नहीं पता, लंबी चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन मिल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अगर ठीक आदमी समर्थन दे रहा तो उसका धन्यवाद है, अगर कोई गलत आदमी देश तोड़ने की बात वाला समर्थन दे रहा तो उसको हमें चाहिए। लेकिन अब तो ये एक तरीके से देश की आन बान शान का मामला हो गया है, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि इसकी वजह से देश की शान पर पट्टा लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? व्यापारी जो होता है वो दमड़ी नहीं जाने देता, चमड़ी चले जाओ उसकी चाहिए, उन्हें देश से क्या मतलब है? बजट में इस बार 1,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट कम कर दिया, घटा दिया गया। क्या घटा? 1,000 का नहीं घटा, 1,00,000 करोड़ का घटाया होगा। 1,000 क्या होता है? सर, सबका मानना है कि 26 जनवरी को हुआ था, उसमें सबका सरकार का षड्यंत्र था, तो कल जो चक्का जाम होने वाला था कुछ नहीं है, कोई नहीं होता, हम शांति से जहाँ होगा शांति से होगा। सर, कल जो चक्का जाम होने वाला है उसके ऊपर आपका कुछ कहना है? शांति से होगा, जहाँ होगा शांति से। तो उस शांतिपूर्ण में क्या शांति होगा? शांतिपूर्ण तरीके से होता है, वे सब लोग जानते हैं। सर, उसमें क्या कुछ नई रणनीति होगी? कोई रणनीति नहीं है, सरकार को ज्ञापन आएगा यहाँ पे, ठीक है, और वो जाएगा कि ये हमारे इशू है, लोकल के बहुत इशू रहते हैं, उनको जोड़ देते हैं। आपने कहा कि तैयारी आपने अक्टूबर तक करके रखी है, तो आपको लगता है कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है? लंबा चलेगा। साहब, यहाँ पे किसानों ने खेती भी शुरू कर दी, फूलों की खेती, जैसा कि आज शाम को दिखा, तो क्या अब कील बनाम फूल की लड़ाई हो गई है? हाँ बिल्कुल होगी। तो क्या ये सरकार को उत्तर जवाब है? हाँ, तो और क्या है ये? कोई सर, पेट बनाम कॉर्पोरेट की ये लड़ाई जिस तरह चली आ रही थी, आज जो आधारभूत संसाधन है उस पर लगातार रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, यहाँ गैस के सिलेंडर वो भी महंगे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर भी आपकी लड़ाई जारी है? जनता को अब निकल आना चाहिए, ये जनता की लड़ाई है, आम लोगों की लड़ाई है, अनाज तिजोरी में बंद ना हो ये उसकी लड़ाई है, किसानों की जमीन ना छीनना ये उसकी लड़ाई है। तो पिछले दिनों रिहाना ने ट्वीट किया था और किसान आंदोलन को समर्थन दिया, रिहाना जो बहुत बड़ी अमेरिकन सिंगर है, उसके ऊपर कंगना रनावत ने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो किसान बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो है क्या कहते खालिस्तानी है, आतंकवादी है, सारा कुछ तो उनको जब किसान की भाषा ही नहीं पता, वे जो इस तरह के लोग हैं वे क्या रोटी नहीं खाते, फैक्ट्री से बनी कोई चीज खाते हैं, तो नहीं कहना चाहिए उनको इस तरह किसान के बारे में। फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स भी उन्होंने भी ट्वीट किया, वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो वो एक्चुअली उसमें एक शब्द यूज हुआ है एमिकेबल, एमिकेबल मतलब बैठ के बातचीत करना। हाँ तो ठीक है, बैठ के बातचीत पर विचार क्या है? हाँ नहीं, बैठ के बात करेंगे, हम तो तैयार हैं बात करने को, ठीक है। और देश के लिए कुछ संदेश? संदेश ये है कि देश अपना ठीक रहो, आंदोलन का समर्थन करते रहो, अपना जिस जब आटा दाल ये खरीदो तो ये भी पूछ लेना कि आपने किस रेट में खरीदा और आपका खर्चा कितना आया। 26 तारीख को कुछ नवयुवक जो थे वो बहकावे में आ गए थे, आपने बोला था, तो कोई नहीं वहाँ क्या ये काम करते हैं हमारे लोग? नहीं नहीं, आपने बोला था नहीं, ये काम करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन ना करो, ये काम थोड़ा करते हैं, शांति से काम करते हैं। मैसेजेस आती है और मुझे पूछा जाता है कि आज एक प्रश्न ये है कि 2024 में जो इलेक्शंस होगा
और जो प्राइम मिनिस्टर सीट होगा उसके ऊपर मुझे 4-5 ऑप्शंस दिया गया है। चलो तो हम पॉलिटिकल कोई चर्चा नहीं, पॉलिटिकल नहीं, ये किसानों का, ये रोटी का आंदोलन है, वोट का नहीं है, नाम पॉलिटिकल ना, 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 नहीं, नहीं है उसमें नाम दो नहीं, नहीं हम नाम नहीं हम सुनना चाहते, नाम उस पर बहस करना चाहते हैं। पॉलिटिकल सवाल है कौन जीतेगा कौन वो बनेगा, हमारा वो सवाल ही नहीं है, हमारा आंदोलन रोटी का है, वोट का नहीं, उसमें नहीं नहीं ना 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 मैं सुनना ही नहीं चाहता, उस बहस पर मैं जाऊंगा ही नहीं। महाराष्ट्र से आए हुए किसान एक बार ये बता दे कि वहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, खासतौर पे जो आंदोलन सिंगू टिकरी और गाजीपुर से देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबोधित हो रहा है, संबोधन कर रहा है, महाराष्ट्र में क्या गतिविधियाँ, और दूसरी बात कब तक देख सकते हैं कि आपके भी काफिले आएंगे 100 के 200 के 500 के, जैसे आपने वहाँ मार्च निकाला बहुत बड़ा मार्च था, तो कब तक वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आपके लोग भी काम निपटा के यहाँ पे पहुँचे। देखिए पहली बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की लास्ट 5 महीने से यह आंदोलन की तैयारी चल रही थी, चूंकि दिल्ली को घेराव करना है तो हम भी इस तैयारी में जुटे थे कि दिल्ली के आजू बाजू के राज्यों पे ही ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए। महाराष्ट्र में हमने पोलकोल यात्रा निकाली थी इस आंदोलन के जन जागरण के तौर पर, राकेश जी भी उस यात्रा में शामिल थे मुंबई और नागपुर में, मुंबई में एक बड़ी रैली इसके पहले भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में किसानों के अंदर लगभग 17 संगठन, मतलब बहुत सारे संगठन है, उसमें से 17 संगठन जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट है, लेकिन अभी भी जैसे कि ट्रेन है जो बल्क बुकिंग नहीं ले सकते, ट्रैक्टर ट्रॉलीज तो हम महाराष्ट्र से यहाँ तक नहीं लेके आ सकते, ये लॉजिस्टिक इश्यूज के कारण आपको यहाँ पे नंबर कम दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया हो या नजदीक ग्राउंड पे अगर जमीनी लड़ाई अगर हो तो उसमें महाराष्ट्र के पूरे किसान जो है एक्टिवेट है। महाराष्ट्र की सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है, वो भी इस आंदोलन काले कानून जो है रद्द करने के पक्ष में है। शिवसेना के संजय राउत जी इस आंदोलन के सपोर्ट में आए थे, आने वाले मंगलवार को शरद पवार जी भी बॉर्डर को कोई एक बॉर्डर को विजिट करेंगे ऐसे हमें खबर है, और कल का जो 12 से 3 बजे तक का जो रास्ता रोको है, चक्का जाम टोटल 50 से 60 जगह पे महाराष्ट्र में हो रहा है। 8 दिसंबर का जो भारत बंद था वो भी महाराष्ट्र में पूरे तरीके से अच्छे से कामयाब हो चुका है। इसका मतलब दिल्ली घेराव के अंदर महाराष्ट्र के किसानों की संख्या लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से कम है, लेकिन जमीन पे लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज जो है हो रहे हैं, और ये कानून जो है जब तक रद्द नहीं होता ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। के रिलेटेड अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते, कोई तगड़ा क्वेश्चन पूछे होगा तो बोले, पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं सब। में बाला साहब ठाकरे अब उनके पूरे सैनिक वहाँ पर है, अच्छा, शिव सैनिक जो है, शिव सैनिक के रूप में आप बता सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे और अब उद्धव साहब ठाकरे में जो आंदोलन हो रहा है उसका कितना अंतर होगा? आप अलग से कर लो, बाला साहब ठाकरे जो थे ही इज अ लीजेंड पॉलिटिशियन। उन्होंने देखिए जब राम मंदिर के बारे में आज भाजपा घर घर जाके पैसे इकट्ठा कर रही है, और बाबरी के टाइम पे उन्होंने ऐसे दिखा रही है कि उन्होंने लिया था, लेकिन जब बाबरी का ढांचा गिरा उस टाइम में बाला साहब ने जिम्मेदारी ली थी, और बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि वो हमारे लोग ही नहीं है। आज जिस तरह बीजेपी इस मंदिर की राजनीति में लगी है उस टाइम में है, लेकिन बाला साहब ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, ये लीजेंड पॉलिटिशियन। चलो इसी पे आप हो गया हमारा। तो धन्यवाद दोस्तों, देखा आपने कि राकेश टिकैत ने क्या कहा अपने बयान के अंदर। तो आगे की अपडेट्स के साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज के साथ।